की है 999 की, हम जो है उनकी फ्लाइट 999 की करेंगे, 999, 666 और 333, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे कि 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो 8 को इधर लिखेंगे और 1 को इधर लिखेंगे। इसमें क्या है, अब ये दो इसके बाद इसकी स्क्वायर कर लिया हमने, इसके बाद दो स्पेस बच जाए, दो स्पेस बच गया, दो डिजिट बच गए ना, तो दो डिजिट का क्या करो, दो स्पेस की एक इधर और एक इधर और एक इधर एक इधर कर दो, इधर से एक लेस कर देंगे, 0 0 एक इधर ऐड कर देंगे इधर, जैसे कि देखो इधर हमारे 1 2 3 4 नौ है और इधर हमारे 4 नौ है, तो एक नौ का हम एक नाइन का स्क्वायर कर देंगे, एक नाइन का क्या करेंगे स्क्वायर। अभी इसके बाद 1 2 3 गैप है, 1 2 3, 1 2 3, अब इधर एक लेस कर देंगे, 0 0 0 एक इधर आएगा, होगी मल्टीप्लाई, बिल्कुल इजी है। 999 999 666 666 की भी ऐसे ही है, जैसे कि इधर कितने भी सिक्स हो कितने भी नाइन हो, ठीक है आपस में। अभी इधर देखो 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 1 2 1 2, तो अब इधर एक लेस करेंगे, कितना आ गया 5 5, इधर एक ऐड कर देंगे 4 4, ऐसे ही अब इधर करेंगे 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इधर 1 2, तो इधर एक हटाएंगे 1 1 1 1, आए समझ में ये। अब सेम है इनका, इन्हीं का बस 1 2 3, इन्हीं का कभी और का करने की सोचो आप लोग, ठीक है। अब जैसे 1 का है 1 1 into 1 1 1, इसमें 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 तो बना, 1 2 3 2 3 1, ये मल्टीप्लाई आ गई तो हमें। अब देखिए आगे जैसे कि इधर 999 चार नाइन है और इधर 3 9 है, अब ये भी मल्टीप्लाई देखिए क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, अब इधर 1 2 1 2 1 2, तो इधर एक टाइम है 0 0 9 9, ठीक है। अभी तो देखो तीन नौके हैं, इधर तीन नौके कैंसिल हो गए, क्या रह गया एक डिजिट रह गया, उस डिजिट के नाम का हम लाइन लिख देंगे, जैसे कि देखो इधर 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 3 9 के, तो हम एक नौके का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जैसे ही स्क्वायर करा 2, तो 2 डिजिट हमने इधर रख दी, उसके बाद यहाँ पर 0 0 9 9, अब 3, ये 3